जगह थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुई दो चचेरे भाई की मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने खोराबार थाना क्षेत्र के करजहा में सड़क जाम कर दिया तथा रोडवेज की बसों पर पथराव भी किया। जाम की सूचना पर SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, CO चौरी चौरा रचना मिश्रा, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सड़क जाम किए लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया तथा क्षतिग्रस्त बसों के सवारियों को दो बस में उनके गंतव्य तक भेजा गया। उसके बाद सड़क पर आवागमन पूरी तरह से सामान्य हो गया। आपको बता दें कि दो दिन पहले जगहा थाना क्षेत्र के गुर्रा नदी के किनारे दो युवकों की हत्या कर दी गई थी। हत्या में 9 mm का पिस्टल प्रयोग किया गया था। दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। जबकि इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क जाम को खुलवाया गया और आवागमन सामान्य हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंट सुमित शुक्ला ने बताया। दिनांक 24/5/20 को थाना झंगहा में एक दोहरा हत्याकांड की घटना हो गई थी, जिसके विरोध स्वरूप आज थाना खोराबार में तमाम महिला और पुरुष रोड पर बैठ गए और उसके बाद जैसे पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया, ये पुलिस पर पथराव करने लगे। पास से रोडवेज की बसें गुजर रही थी, जिस उस पर पथराव करने लगे, जिस उस बसों में महिला और बच्चे भी बैठे थे। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इनको रोड से हटाया गया, आवागमन को सुचारू रूप से चालू कराया गया, साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।